वार्ड 49 के पार्षद पद उम्मीदवार समाज सेवी मंजू रानी शाह के द्वारा दर्जनों श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पूजा पाठ के लिए हुए रवाना। भागलपुर जिले के भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 49 के कर्मठ पार्षद उम्मीदवार समाज सेवी मंजू देवी शाह के द्वारा वृद्ध एवं असहाय जनता के लिए निःशुल्क यात्रा दर्शन को लेकर एक बस में तकरीबन 80 लोग पूजा पाठ के लिए रवाना हुए। क्या कर रहे हैं आज? जो है ना, शंकर भगवान का दिन है, तिरुदशी। वार्ड नंबर 49 की प्रत्याशी मंजू रानी शाह के सौजन्य से निःशुल्क तीर्थ यात्रा दर्शन किया जा रहा है, जिसमें वार्ड के सभी जो है ना जनता हर्षोल्लास है और उत्साहित है जाने के लिए। ये हमेशा चलता ही रहेगा। ये अभी प्रारंभ हुआ, इससे पहले भी जा चुके थे, लेकिन इस बार थोड़ा जोर शोर से जा रहा है। और ये एक समाज के लिए हमको लगता है बहुत अच्छा संदेश है, और ये आगे भी जारी रहेगा। ये अभी आपका बासुकीनाथ के लिए निकल रहे हैं, और आपका मंदार पर्वत होगा, मौसी मंदार पर्वत, वहाँ हम लोग स्टॉपेज लेंगे, वहाँ फलहारी करवाते हुए सबको लेकर चलेंगे। कितने दिन का ट्रिप है ये? ये आज का ही ट्रिप है, आज हम लोग मॉर्निंग में निकल रहे हैं, शाम तक में आएंगे। वहाँ बासुकीनाथ भंडारा कराई हुई है मम्मी की तरफ से मंजू रानी साहब। ये आपका होता ही रहेगा, ये आगे भी जो है ना उम्मीद रखिए कि जो है ना आगे इससे बढ़ चढ़ के हम लोग कराएंगे। ये निःशुल्क है? हाँ, ये निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। वार्ड नंबर 49 के सीनियर सिटीजन सब है कि जो आपका 50 से प्लस है उस कैटेगरी में किया हुआ है, फिर इसके बाद जो है ना 50 के अंदर वाले को होगा, और अभी बासुकीनाथ से शुरू हुआ है, फिर देवघर होगा, फिर तारापीठ होगा, ये चलते ही रहेगा। कर कितने लोग हैं इसमें आज? अभी हम लोग जो है ना इसमें लगभग 70 प्लस है, 70-80 लोग, हम लोग का छोटा गाड़ी से जा चुका है, सब 100 प्लस है, सब मिलके 100 आदमी का भंडारा का इंतजाम बासुकीनाथ में किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूपेश कुमार शाह हुआ, वार्ड नंबर 49 को मैं जनता हूँ।